हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गाइस। आज की इस वीडियो में रोहित शर्मा ड्राइंग की कलरिंग करने वाला हूँ। और जिसको भी नहीं पता, मैं इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो जरूर से देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और इस ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर डॉम्स के ऑयल पेस्टल का यूज करने वाला हूँ। तो चलो अभी कलरिंग शुरू करते हैं। तो ऑयल पेस्टल में हमें ऑलवेज डार्क टू लाइट वैल्यूज तक जाना होता है। तो फेस में अभी जो भी डार्क वैल्यूज है वो देने के लिए मैं ब्राउन कलर का यूज कर रहा हूँ। और इस कलर से डार्क वैल्यूज के लिए सेम उसी तरीके से ही शेडिंग करना है जिस तरीके से हम ऑलवेज पेंसिल स्केच में करते हैं। यानी जहाँ पर जितना डार्क एरियाज होगा वहाँ पर उतना ज्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करना है, और जितना लाइट एरियाज होगा उतना कम प्रेशर अप्लाई करना है। तो अभी एकदम से जो भी डार्क एरियाज है उस टाइप की एरियाज में शेडिंग करने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर हमें अप्लाई करके शेडिंग करना है। मीडियम डार्क वैल्यूज में हल्के हाथ से शेडिंग करना है, लाइट एरियाज में एकदम लो प्रेशर अप्लाई करते हुए सेटिंग करना है, और एकदम से जो भी हाइलाइटेड एरियाज है उस टाइप के एरियाज को हमें छोड़ के सेटिंग करना है। और अभी बियर्ड्स में भी सेम इसी कलर से शेडिंग करना है। और यहाँ पर शेडिंग नहीं, रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके बियर्ड्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाता जाना है। एंड यस, यहाँ पर भी ज्यादा डार्क एरियाज है तो वहाँ पर हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग करना है, और जितना लाइट एरियाज होगा उतना कम प्रेशर हमें अप्लाई करना है। ओके, फुल फेस में ब्राउन कलर से शेडिंग करने के बाद अभी फुल फेस में ही फ्लैश टिंट कलर से मीडियम प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग कर लेना है। एंड ओनली एकदम से जो भी हाइलाइटेड एरियाज है वो सब एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग करना है, और बाकी फुल एरियाज में मीडियम प्रेशर। बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं कहां पर किस तरीके से कर रहा हूं। और लास्ट में भी जो भी हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ के हम शेडिंग किए थे वो सब एरियाज में व्हाइट कलर को यूज करके ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है, और बाकी मीडियम और डार्क वैल्यूज के एरियाज में लो प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग कर लेना है। ओके, फुल फेस में बेस लेयर के लिए कलरिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ, और कॉटन बट को पहले इस तरीके से व्हाइट कलर से घिस लेना, देन ब्लेंड करना। ये करने से आप लोग बहुत ही स्मूथली ब्लेंड कर पाओगे। और कॉटन बट थोड़ा हार्ड यूज करना, सॉफ्ट वाला यूज मत करना, उससे आप लोग ब्लेंड नहीं कर पाओगे। तो कॉटन बट की टिप जितना हार्ड होगा उतनी अच्छी तरीके से आप लोग ब्लेंड कर पाओगे। और ब्लेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले मैं लाइट एरियाज में कर रहा हूँ और बाद में डार्क वैल्यूज में करने वाला हूँ। और एक चीज ऑलवेज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ब्लेंडिंग करने की टाइम जहां पर जिस डायरेक्शन वाइज आप लोग कलर से शेडिंग किया हो वहां पर उसी डायरेक्शन वाइज आप लोगों को ब्लेंड करना है। लाइक यहां पर जिस डायरेक्शन वाइज में शेडिंग किया हो तो यहां पर उसी डायरेक्शन वाइज मुझे ब्लेंडिंग करना है, तभी मेरी ब्लेंडिंग स्मूथली बनेगी। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लेंडिंग किया होता तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिजल्ट। ओके, ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है, यानी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी सेकंड लेयर में कलर करेक्शन करना है। लाइक फर्स्ट लेयर में जैसे कि आप लोग देख सकते हो फेस थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है, तो अभी हमें जहां पर भी हाईलाइट देना है उस एरियाज में व्हाइट कलर से सिंपली शेडिंग करना है। बाकी आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो मैं कहां पर किस तरीके से किया हूं। नेक्स्ट डिफरेंस फोटो में फुल फेस में ही देखो थोड़ा योलो सा टोन दिख रहा है, तो जहाँ पर भी मुझे योलो सा टोन दिख रहा है वहाँ पर मैं डीप योलो कलर से सिंपली शेडिंग कर रहा हूँ, बट एकदम लो प्रेशर अप्लाई करते हुए। और ऐसे ही हमें डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पर जो भी कलर्स दिख रहे हैं वहाँ पर उस कलर से सिंपली शेडिंग करना है। बस ध्यान रखना सारे कलर से हमें एकदम लो प्रेशर अप्लाई करते हुए शेडिंग करना है।
ओके, और अभी इसको फिंगर की मदद से एकदम लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है। और अभी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके फेस में जो भी डार्क वैल्यूज है और जो भी डिटेल ऐड करना है वो सब देने के लिए मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और इस पार्ट में जितना हो सके टाइम स्पेंड करके आप लोगों को शेडिंग करना है, क्योंकि डार्क वैल्यूज की शेडिंग पार्ट में जितनी अच्छी तरीके से आप लोग करोगे उतनी ही आप लोगों की ड्रॉइंग अच्छी बनेगी। तो ध्यान से देखो अभी मैं कहां पर किस तरीके से कर रहा हूँ। बाय द वे, ये करने के लिए आप लोग ब्लैक कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। और अभी बियर्ड्स की मिडिल एरियाज में ब्लैक ऑयल पेस्टल का यूज कर रहा हूँ। और ध्यान रखना ब्लैक कलर से भी रिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके बियर्ड्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। एंड देन इसको भी फिंगर की मदद से एकदम लो प्रेशर में ब्लेंड कर देना है। और लास्ट में अभी डिटेल ओए में हाईलाइट देने के लिए मैं कैची का यूज कर रहा हूँ। और बियर्ड्स वगैरह में जहाँ पर एक एक हेयर्स को अच्छी तरीके से हाईलाइट करना है वहाँ पर मैं कटर का यूज करने वाला हूँ। और इस पार्ट को भी जितनी अच्छी तरीके से आप लोग करोगे उतना ही आप लोग की ड्राइंग रियलिस्टिक बनने की चांस बनेगी। ओके, फेस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी कैप में और शार्ट में बेस लेयर को देने के लिए मैं ब्रास पेन का यूज कर रहा हूँ जो कि डॉम्स की है। और इसको यूज करके एकदम सिंपल तरीके से कलर फिलअप करना है। बाय द वे, जिसके पास भी ब्रास पेन नहीं है आप लोग वाटर कलर को भी यूज कर सकते हो बेस लेयर को देने के लिए। और अभी सिंपली हैट में और शार्ट में इस कलर के ऊपर डार्क वैल्यूज के लिए शेडिंग करना है और लाइट वैल्यूज के लिए शेडिंग करना है। तो पहले डार्क वैल्यूज के लिए अल्टरमरीन ब्लू कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी लाइट वैल्यूज को देना है वहाँ पर मैं व्हाइट कलर से शेडिंग करने वाला हूँ। एंड ऑब्वियसली जहाँ पर जिस हिसाब से डार्क वैल्यूज को देना है वहाँ पर उसी हिसाब से प्रेशर अप्लाई करना है, एंड लाइट वैल्यूज के लिए भी सेम। और सेम अभी इसी तरीके से ही शार्ट में भी सेटिंग कर लेना है। और अभी एकदम से जहाँ पर भी डार्क वैल्यूज चाहिए उस टाइप के एरियाज में ब्लैक कलर से लो प्रेशर में सेटिंग कर रहा हूँ।
ओके। और अभी लास्ट में बैकग्राउंड के लिए रैंडमली जहाँ पर जो मर्जी में कलर का यूज कर रहा हूँ आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो। और मेरी रिजल्ट अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मैं जहाँ पर जो भी कलर यूज किया आप लोग भी सेम वही चीज कर सकते हो। और अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज़ कर रहा हूँ और छोटे छोटे इस तरीके से राउंड राउंड करके ब्लेंड करना, तभी बैकग्राउंड में स्मूथली स्मोकी इफेक्ट आएगी। और लास्ट में बैकग्राउंड को थोड़ा और डार्क करने के लिए और एक यूनिक टेक्सचर देने के लिए मैं एक एक स्ट्रेट लाइंस में शेडिंग कर रहा हूँ। बाय द वे ये चीज़ आप लोग कॉन्फिडेंटली एकदम यूनिफॉर्मली कर सकते हो तभी करना, नहीं तो आप लोगों को मैं ये चीज़ करने की रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप लोगों की ड्राइंग खराब भी हो सकता है। और लास्ट में अभी फेस की एज में जो भी हाईलाइट देना है वो सब करने के लिए मैं व्हाइट एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है एंड आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग डेफिनेटली पसंद आई है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो एक लाइक ज़रूर से करना। तो मिलते हैं अभी जल्दी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।